हेलो दोस्तों, आपका सुष्मिता चैनल में कहो कैसे हो आप। आज हम अपने वीडियो में बनाने वाले हैं पीड़ा, जो एकदम से सॉफ्ट होगी, दानेदार होगी और जिसे हम बिना दूध के, बिना मावा के बनाकर तैयार करेंगे, वो भी सिर्फ 10 से ही 15 मिनट में। और आप इस पीड़ा को बनाकर ना महीनों तक रख सकते हैं, जो ख़राब बिल्कुल नहीं होगी, ऐसी टेस्टी सॉफ्ट दानेदार बनी रहेगी और इसे आप एक बार नहीं बार बार बनाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं अपने किचन में और दिखाते हैं बिना मावा बिना दूध के पेड़ा को हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस चलाकर कढ़ाई को रख दिया था गर्म होने के लिए। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है। अब हम डाल देंगे सूजी यानी रवा। सूजी हमने आधा कप से भी कम लिया है, सूजी आपको एकदम थोड़ी सी लेनी है। अब हम क्या करेंगे, गैस को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे एक मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक मिनट के लिए सूजी को बिना घी के हल्का सा भून लेना है। तो एक मिनट के लिए हमने भून लिया है, गैस को हम स्लो कर देंगे और एक कप भर के, यानी बड़े कप से एक कप भर के हमने बेसन डाल दिया है, यानी एक बड़े कप से हमने बेसन लिया है और एकदम थोड़ी सी हमने सूजी लिया है। दोनों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, डाल देंगे घी। घी आपको एक ही बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, जितना आपको ज़रूरत लगे, यानी इतना घी डालिए कि बेसन और सूजी अच्छे से मिक्स हो जाए, आपको चलाने में आसानी हो। तो यहाँ पर हमने पहले थोड़ा सा घी डाल दिया, आप देख सकते हैं घी की मात्रा कम है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे। इसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा करके घी डालना है और इसे मिलाते जाना है। तो घी में आपको देसी घी ही डालना है। अगर देसी घी से आप इस पेड़े को बनाएंगे ना, तो आपकी पेड़ा बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसन सूजी को हमने घी के साथ अच्छे से मिला लिया है। अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे बेसन को भून लेंगे। तो बेसन को कलर चेंज होने तक अच्छे से भून लेना है। अगर बेसन में कच्चापन रहेगा ना, तो आपका पेड़ा जो है टेस्टी नहीं बनेगी और बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो आपको लगातार चलाते हुए कलर चेंज होने तक अच्छे से बेसन की भुनाई करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसन कलर चेंज हो चुका है। अब बेसन जैसे जैसे भुन रही है ना, बेसन में घी दिखना स्टार्ट हो गया है, यानी बेसन अच्छे से भुन चुकी है। तो आपको इसी तरीके से बेसन को कलर चेंज होने तक अच्छे से भून लेना है। गैस को तेज़ बिल्कुल नहीं करिएगा। अगर आपने गैस को तेज़ कर दिया ना, तो बेसन जल्दी से भुन जाएंगे लेकिन बेसन का टेस्ट कच्चा रह जाएगा और आपका पेड़ा टेस्टी नहीं बनेगी। बेसन को हमने अच्छे से भून लिया। फिर यहाँ हमने बेसन में, गर्म बेसन में पानी के छींटे डाल दिए। आपको कटोरी में नॉर्मल पानी लेना है। जब बेसन से अच्छे से भुन जाए, तब आपको क्या करना है, पानी के छींटे डालने हैं। पानी के छींटे आपको 2 से 3 बार करना है। पानी छींटे डालने के बाद आपको जल्दी जल्दी चमचे को चलाना है। जितना जल्दी आप चमचे को चलाएंगे ना, उतनी अच्छी, उतनी ही दानेदार बेसन बनकर तैयार होगी। एक बार हमने पानी के छींटे डालकर बेसन को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर भून लिया। फिर यहाँ पर हमने दोबारा पानी के छींटे डालकर फिर अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं जो हमने घी डाला था ना, घी आपको बिल्कुल नहीं दिख रही है और बेसन जो है अच्छे से ड्राई हो चुकी है। हमें इसी तरीके से बेसन को भून कर अच्छे से तैयार करना है, तभी आपका पेड़ा टेस्टी बनेगा। बेसन को हमने अच्छे से भून लिया पानी के छींटे डालकर। अब आपको डालना है नारियल का बुरादा। तो नारियल बुरादा हमने सूजी के बराबर लिया है, यानी आधा कप से भी कम हमने नारियल का बुरादा डाल दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को भी एकदम बारीक कट करके, क्रश करके डाल सकते हैं, जो आपको सही लगे। लेकिन हम ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले, सिर्फ हम नारियल का बुरादा डाले हैं। और नारियल का बुरादा डालकर एक मिनट के हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करके भून लिया। अब हम गैस को बंद कर देंगे और बेसन के इस मिश्रण को हमें ठंडा करना है। इतना ठंडा करना है कि हाथ से छूने लायक हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसन मिश्रण अच्छे से ठंडी हो गई है, हाथ से छूने लायक हो गई है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर यहाँ पर हमने 1 बड़ी चम्मच डाल दिया है और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मिल्क पाउडर और डाल देंगे, यानी छोटे कप से आधा कप के लगभग हमने मिल्क पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने ले लिया है चीनी। चीनी को हमने ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा सी से मोटा दरदरा ही रखा है। जो हमने मिल्क पाउडर डाला है, मिल्क पाउडर में भी मिठास होती है, इसलिए हम चीनी थोड़ी कम ही डाल रहे हैं। और चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद हो। आधा चम्मच लगभग हमने इलायची पाउडर डाल दिया है। अब आपको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे चीनी कम है, तो थोड़ी सी चीनी और डाल दीजिए अपने स्वाद के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से। तो सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। अभी आप देख सकते हैं पेड़ा बनने के लिए बेसन का मिश्रण जो है काफ़ी ड्राई है।
अभी आप हम डाल देंगे देसी घी। आपको देसी घी ही लेना है, आप चाहे तो दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध से क्या है पेड़ा जो है ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 2 से 3 दिन बाद देखेंगे दूध का पेड़ा ख़राब हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से घी डालकर बेसन का पेड़ा बनाएंगे ना तो आपके महीनों चलेंगे और जल्दी ख़राब नहीं होंगे। फिर यहाँ पर मैं देसी घी और डाल दिया। आपको देसी घी इतना डालना है जितनी आसानी से पेड़ा बनकर तैयार हो जाए। तो आधा आधा कलछी के लगभग हमने 2 बार देसी घी डाल दिया। अच्छे से इसे मिला लेंगे और मुट्ठी बांध कर देख लेंगे। अगर पेड़ा बनने लगेगा तब आपको घी नहीं डालना है। इसे हमने अच्छे से मिला लिया है, आप देख सकते हैं पेड़ा बनने के लिए बेसन का मिश्रण अच्छे से तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम मीडियम साइज़ के छोटे छोटे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप दूसरा शेप देना चाहें तो आप दूसरा कोई भी शेप दे सकते हैं जो आपको सही लगे अच्छी लगे। लेकिन यहाँ पेड़ा बना रहे हैं, पहले हमने छोटे साइज़ का बॉक्स बनाया, बॉक्स को हमने चिकना कर लिया रगड़ते हुए। फिर इस तरीके से हथेलियों के बीच हमने रखा, हल्का सा दबा दिया और पेड़े का शेप बनाकर हमने तैयार कर लिया। एक बार हम फिर आपको बना के दिखाते। इस तरीके से हमने छोटे साइज़ का बॉक्स बना लिया। बॉक्स को हम पहले चिकना कर लेंगे। चिकना करने से क्या होता है, पेड़ा भी आपका जो पेड़ा है ना वो भी चिकना बनेगा। बॉक्स को चिकना करने के बाद हथेलियों से हमने दबा दिया, हल्का सा प्रेस कर दिया और पेड़े की तरह बनाकर तैयार कर लिया। इसी तरीके से एक एक करके आपको सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पर हमने बेसन के पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अगर आपने इस तरीके से बेसन के पेड़े एक बार बना के खा लिया ना तो आप बार बार बनाएंगे, क्योंकि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, लाजवाब है और दानेदार है। तो यहाँ पर हमने एक एक करके बेसन का पेड़ा बनाकर तैयार कर लिया है। हम आपको पास से दिखा रहे देख सकते कितनी दानेदार बनी है। आप चाहे तो पेड़ा के ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स को भी एकदम बारीक चॉप करके चिपका सकते हैं, लेकिन हम पेड़ा को एकदम सिंपल सादे तरीके से बना रहे हैं। अब इस पेड़े को हम रख देंगे फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए, जो पेड़ा है अच्छे से सेट हो जाए। इसे हम 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो 15 मिनट बाद हमने पेड़ा की प्लेट को फ्रिज से निकाल लिया। आप देख सकते हैं पेड़ा अच्छे से सीट हो गई है। जो हमने इसमें देसी घी डाला था ना, देसी घी की वजह से जो पेड़ा है प्लेट से चिपक गई। तो यहाँ पर हम चम्मच से नीचे से कट लगा लेंगे जिससे पेड़ा निकल जाए। और प्लेट में हमने ले लिया है चीनी। चीनी को हमने मिक्सर जार में डालकर मोटा दरदरा पीस लिया, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, मोटा दरदरा ही रखना है। जो हमने पेड़ा बनाकर तैयार किया है ना, इसे हम चीनी के बोरे में इस तरीके से लपेटते हुए एक हल्की सी पतली सी कोटिंग कर लेंगे, जिससे देखने में ना एकदम मार्केट जैसे लगे। इस तरीके से जोस्टा चीनी है उसे निकाल दीजिए, कोटिंग करते जाइए और इस तरीके से निकालते जाइए। कोटिंग आपको तभी करनी है जब पेड़ा अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहे तो इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ हमने पेड़ा बनाकर तैयार कर लिया, प्लेट में रख लिया। तो हम आपको पेड़ा को तोड़ के दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है, कितनी दानेदार है। यकीन मानिए जब खाएंगे ना तो खुद ही जान जाएंगे कितनी टेस्टी बनी है, कितनी लाजवाब है। तो आप इस तरीके से बेसन का पेड़ा बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए और हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए कि आपको यह पेड़ा कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पर आए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।